बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आए हो सो आप लोग अच्छे होंगे, गुड होंगे, बेहतरीन होंगे। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को महमूदाबाद पर लेके आया हूँ और महमूदाबाद पर एक दफ़ा और विज़िट करा दूँ आपको कि काम की क्या सूरत हाल है। और काम जो है वो तायल तकमील तक पहुँचा, एंडिंग पर है और बिल्कुल आखिरी स्टेज पर जो है वो काम पहुंच चुका है। और आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं कि ये सेवरेज की पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई गई है और सेवरेज की पाइपलाइन का भी काम यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। और आप लोगों के सामने जो है वो रोड आप लोग देख सकते हैं कि कितना खुशादा हो गया है। और इधर जो है वो पहले मैंने आप लोगों को बताया था, इस गड्ढे को मिट्टी से भर दिया जाएगा और वो भी भर दिया गया है, वो आप लोग आगे देखेंगे मेरी क्लिप्स में। और अभी जो है वो काम चल रहा है इस पुलियों का काम चल रहा है। आप लोग के सामने है कि इतनी स्पीड से इस पुलिया का काम चल रहा है कि इस पुलियों को पहले गिराया जा रहा है जो पुराना बना हुआ था, अब इसके बाद नया पुलिया यहाँ पर बनाया जाएगा। पर पहले प्लेयर्स खड़े करे गए, फिर उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंट करा गया, अब जो है इस पुलिया को फाइनली बनाया जा रहा है। और ये आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है और इस आवाम के लिए, इस जगह की जो आवाम है उनके लिए, क्रॉस के लिए एक अच्छा है। इस नाले को क्रॉस कर सकेगी ये आवाम बिल्कुल ईजिली और बहुत तेज़ी से यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है FWO के थ्रू। और FWO ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं उनकी मेहनत। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पर कराची में, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं नाले की सफाई के लेकर नाले को बनाने का, मॉडल नाला ये बन चुका है। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि ये अब दोबारा वहाँ पर भी जो है वो सेम ऐसे ही बनाया जाएगा, दीवारें खड़ी करी जाएंगी और इसके अलावा जो है वो यहाँ से पाइपलाइन, सेवरेज की पाइपलाइन डाली जाएगी। 13 फीट का ये जो है आप लोग समझ सकते हैं कि सर्विस रोड होगा कंप्लीट इंशाल्लाह अज़वजल। और मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा इस रोड का और जो जो काम हुआ है वो मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ महमूदाबाद पर। तो आए आगे चल के देखो। तो पुलिये के बाद मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये महमूदाबाद का नाला है जो कि एक बिल्कुल स्टक हो चुका है सिर्फ और सिर्फ गंदगी से, क्योंकि ये हमारा ही बन रहा है, हमारे लिए बन रहा है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि इसका ख़ास ख्याल रखा जाए, इस कचरे को बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इस समझ लें कि इस एरिए का ही ये पूरा कचरा है कि जो सालों से कभी साफ़ नहीं हुआ, क्योंकि आवाम यहाँ पर हैवी मशीनरी यहाँ पर नहीं आ सकती थी, इस वजह से इस नाले की सफाई नहीं हो सकी थी। लेकिन आवाम को भी चाहिए जब ये बन जाए तो इसके बाद इसको ख्याल रखा जाए, इस ऐसे कचरे से परहेज़ किया जाए कि इस कचरे को फेंका जाए नाले के ऊपर, तो ऐसा नहीं होता। नाले को भी साफ़ रखना चाहिए। और नाला सिर्फ और सिर्फ ये बरसाती नाला है, इसके बाद जो है वो साइडों पर सेवरेज लाइंस डाली जाएंगी, वो उस साइड पर डलनी है। और यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है सेवरेज की पाइपलाइंस डालने का अमल और यहाँ जो है वो नाले को, अब सेकंड अमल ये होगा नाले को साफ़ करा जाएगा, जो कि सिर्फ बरसाती नाला कहलाएगा और बरसात में ही यूज़ होगा। और सेवरेज के लिए तो आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं आवाम से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इस चीज़ को नज़रसानी करी जाए और कचरे को इधर ना डंप करा जाए, कचरे का जो जगह है वहाँ पर कचरे को फेंका जाए और डस्टबिन्स लगाए जाए यहाँ पर, ताकि लोग जो है वो डस्टबिन पर ही कचरा फेंका। और ये देख सकते हैं आपके ये प्लेयर बनाए गए और जो कि पुलिये को बनाने के लिए यूज़ होंगे। पहले इससे पहले भी मैं जब आया था तो उस टाइम पर भी एक्सपेरिमेंट के लिए प्लेयर बनाया जा रहा था और प्लेयर जो है वो मजबूती से अंदर जा सके और आवाम जो है यहाँ से क्रॉस कर सके, ओवरहेड ब्रिज जिसे के कहते हैं हम, पेडिस्ट्रियन ब्रिज जो कि आवाम के लिए यूज़ होगा ईज़िली, तो वो अभी बन रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा काम चल रहा है कराची के महमूदाबाद के इलाके में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और रोड भी आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कितना खुशादा रोड हो चुका है और पब्लिक ईज़िली यहाँ से गुजर रही है, गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजर रही हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगी, इसकी कारपेटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब भी मैं आप लोगों को यहाँ पर विजिट कराऊंगा।
जी तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जो आप लोग देख सकते हैं कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर पहले खुदाई करके पूरे पाइपलाइनें डाली गई, मेरी पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग के सामने ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो दीवारें खड़ी करी गई हैं और दीवारें भी कंप्लीट बिल्कुल अच्छी मजबूत दीवारें यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये गटर जो है वो कंप्लीट बना दिया गया है और आप लोगों को मेरा कैमरामैन दिखा सके गटर, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेट्स भी लगा दी गई हैं ताकि जहाँ पर ब्लॉकेज है वहाँ पर जो है वो बंदा जाके जो है वो ब्लॉकेज को रिजॉल्व कर सके, जहाँ पर ब्लॉक हुआ हुआ है उसको साफ़ कर सके। तो ये अच्छा है और पूरा प्रोजेक्ट आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा इन्होंने बना दिया है FWO ने। और इस प्रोजेक्ट को आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा रोड जो है वो कितना खुशादा हो गया है और आराम से ईज़िली यहाँ से गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं। बहुत अच्छा लग भी रहा है कि यहाँ पर जो है वो काम भी हुआ है और अब काम जो है वो नज़र भी आ रहा है। कराची में बहुत ज़्यादा काम करा जा रहा है इस दफ़ा, बहुत ज़्यादा कराची को डेवलपमेंट के हिसाब से जो है वो कराची को संवारा जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी जो हिस्सा है ये FWO ने बहुत अच्छा काम करा इधर कि बहुत जल्द इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया गया है। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि सामने जो है वो दूसरी साइड पर भी काम स्टार्ट हो चुका है और दूसरी साइड पर भी खुदाई कर दी गई है और ये जो है इसी तरह यहाँ पर दीवारें खड़ी करी जाएंगी और सेवरेज के पाइपलाइंस वगैरह बिछाए जाएंगे। तो मेरा ख्याल से ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चला है और बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर लिया गया है। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा अपडेट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा देगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फ़िया मानिला, अल्लाह हाफिज़।